स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडिया स्टडी लर्न में। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आपके राशन कार्ड में किसी भी प्रकार की त्रुटि या फिर गलती है, स्पेलिंग मिस्टेक है, या फिर आपके राशन कार्ड में वैसा मेंबर जो कि ऐड नहीं है, जिसको आप जो है कोई नया आदमी है जो कि अपने राशन कार्ड में जोड़ना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए सरकार जो है ऑनलाइन पोर्टल जो है चालू कर दिया गया है, यानी कि नया वेबसाइट के जरिए जो है आप आसानी से घर बैठे ही किसी भी प्रकार की राशन कार्ड में त्रुटि हो, गलती हो, स्पेलिंग मिस्टेक हो, या फिर आप नए व्यक्ति का नाम जोड़ना चाहते हैं राशन कार्ड में, तो आप आसानी से जोड़ सकते हैं। सो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखते रहिए, सब कुछ बताने वाले हैं। उससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो नीचे दिए हुए लाल रंग वाले सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही पल-पल की योजना की इंफॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए आपको फटाफट बताते हैं। सबसे पहले आपको इस नए वेबसाइट पर आना होगा। इस नए वेबसाइट पर आने के लिए आप किसी भी गूगल क्रोम ब्राउजर में आपको सर्च करना है epos.bihar.gov.in। जैसे आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे तो कुछ इस तरीके से जो खुल करके आ जाएगा। मैं इस वेबसाइट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप वहां से भी आ सकते हैं। जैसे आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो कुछ इस तरीके से खुल करके आ जाएगा। आप चाहे तो इनको हिंदी लैंग्वेज में भी आप आसानी से यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं, यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देख पा रहे हैं ये बाय डिफॉल्ट इस तरीके से इंग्लिश सिलेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद अगर आपको राशन कार्ड में कोई भी नाम बदलना है, कोई त्रुटि हुई है, स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई नए मेंबर को ऐड करना चाहते हैं, सारी यहां पे दी इस नए वेबसाइट में आपको क्या करना है, इस ग्रीवेंस ऑप्शन वाले पे आपको क्लिक कर देना है। देख पाए यहां पे ग्रीवेंस यहां पे दिया हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप जो इनकी नेक्स्ट पेज पे नहीं दूसरे पेज पे चले आएंगे। यहां पर आने के बाद सबसे पहले आपको यहां पे टाइप सिलेक्ट करना है, यानी आपका जो है किस टाइप का इशू है। यहां पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है कार्ड इशू। अगर आपके राशन कार्ड में कोई कार्ड इशू, यानी कि किसी का नाम गलत है, स्पेलिंग मिस्टेक है, किसी नए मेंबर को ऐड करना चाहते हो, यहां पर आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। इनके अलावा कोई दूसरा है तो यहां पर और भी दिए हुए डीलर इशू, तो डीलर इशू पर यहां पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहां पर कार्ड इशू पर हम यहां पर सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपसे यहां पे देखिए ये कैटेगरी पूछा जाएगा ना कि किस टाइप का आपका इशू है। यहां देखिए एड नेम इन कार्ड, यहां पे नया नाम आपको जोड़ना है तो इस पे आप सिलेक्ट करेंगे। उनके बाद इस स्टेप से यहां पे दिया ब्राइड, इस पे आपको सिलेक्ट, जो भी आपका इशू है इस स्टेप से यहां पे आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। कार्ड नॉट इशू, यानी कि कार्ड नहीं बना तो यहां पे आप कर सकते हैं। इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन इन कार्ड, यानी कि गलत इंफॉर्मेशन दिया है तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। नेम मिसिंग इन कार्ड, यानी आपका नाम जो है गलत है राशन कार्ड में, तो आप यहां पे सिलेक्ट करेंगे। उनके बाद नेम नॉट इन लिस्ट, यानी लिस्ट जो देखा जाता है ईपीडीएस की साइट पे जाकर के, अगर लिस्ट में नाम नहीं आता है तो आप यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए जो भी आपका इसमें प्रॉब्लम है वो यहां पे आप इस तरीके से जो है आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम यहां पे नेम मिसिंग वाले ऑप्शन पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं, जो भी आप सिलेक्ट कर लीजिए। उनके बाद आपको क्या करना, अगर आपका नेम मिसिंग है, ठीक है, तो यहां पे आप जो है सही नाम लिखेंगे, जो आपको नाम सही लगता है वो यहां पे आप डाल देंगे। उनके बाद आपको क्या करना, अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करें, यहां पे सारे डिस्ट्रिक्ट यहां पे दिए हुए हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट है आप जो यहां पे सिलेक्ट कर लेंगे। उनके बाद आपको यानी कि उस डिस्ट्रिक्ट में आपका कौन सा ब्लॉक पड़ता है, जैसे मुंगेर सिलेक्ट किया तो मुंगेर में आपका कौन सा प्रखंड है वो यहां पे आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपका पंचायत, यानी कि आपके गांव का कौन सा नाम है, यानी कि कौन सा पंचायत पड़ता है, वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद आपको क्या करना है, फिर दोबारा से आपको अपने गांव यानी कि विलेज का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जो भी है वो इस तरीके से आप सिलेक्ट कर लेंगे। उनके बाद आपको क्या करना, यहाँ पे अपना पूरा सही सही अपना एड्रेस देना है, पता देना आधार कार्ड के अनुसार। उनके बाद आपको यहाँ पे क्या करना, अपना मोबाइल नंबर देना, वही मोबाइल नंबर दें जो आपके राशन कार्ड में दिया हुआ पहले से और आधार से भी लिंक हो, ठीक है। उनके बाद आपको यहाँ पे क्या करना, अगर ईमेल आईडी है तो दे सकते हैं, नहीं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। उनके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको डिसीजन में यहाँ पे देना होगा कि जैसे कि आपका यहाँ पे नाम जो मिसिंग है, तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा यहाँ पे आपको डिटेल के तरीके से आपको यहाँ पे देना होगा, जैसे कि आपको यहाँ पे लिखना है कि इस में राशन कार्ड में ये नाम है और इस नाम से में ये गलत हो गया है, तो जिस कारण से ये नाम देना है, इस तरीके से आपको यानी कि हेतु आपको छोटा सा यानी कि नोटिस देना, अगर नाम में गलत है तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सही नाम दे करके एक यहाँ पे डिसीजन में दे देना है। अगर आप कोई नए व्यक्ति का नाम जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं मेरा नाम ये है, मैं इस नए व्यक्ति का नाम यहाँ पे दे देंगे, उनके बाद मैं इसको जोड़ना चाहता हूँ, ये मेरे परिवार का हिस्सा है, इस टाइप से आप दे सकते हैं। तो छोटा सा यहाँ पे आप जो है लिख देंगे जो भी आपका होगा, ठीक है, प्रॉब्लम वो यहाँ पे आपको डाल देना है, ठीक है। उनके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना यानी कि जो है फोटो खींच करके अपने राशन कार्ड का वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर देना है। 512 केबी का ही दें, इससे बड़ा होगा तो ये यहाँ पे अपलोड नहीं हो पाएगा। उनके बाद जिस व्यक्ति का यानी कि नाम मिसिंग है, ठीक है,
जो सही नाम है उनके आधार कार्ड में वो यहाँ पे आप डालेंगे, कुछ ना कुछ आपको प्रूफ के तौर पे देना होगा। उनके बाद अगर हो सके तो सभी फैमिली का जो ऐड करेंगे वो यहाँ पे आपको फोटो दे देना है पूरे फैमिली के साथ जो नया व्यक्ति ऐड होगा। सो इस तरीके से सारे चीज डालने के बाद आपको क्या करना है, इस रजिस्टर वाले ऑप्शन पे आपको रजिस्टर कर देना है। उनके बाद आपको एक आईडी मिल जाएगा, चलिए आपको दिखाते हैं। रजिस्टर करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से ग्रीवेंस आईडी दे दिया जाएगा, आपको इस आईडी को जो है कॉपी करके रख लेना है। उनके बाद आपको लगातार एक दो दिन बाद जो है आपको, यानी कि दो तीन दिन बाद, सप्ताह दिन बाद आपको चेक करते रहना कि आपका जो इशू है वो ठीक हुआ है या फिर नहीं। जैसे आपका ठीक हो जाएगा, आप ही के डीलर के द्वारा अगर आपका नाम में स्पेलिंग में गलती होगा तो आपको नया नाम जो है ऐड करके आप ही के डीलर के द्वारा जहां से आप राशन कार्ड उठाते हैं वहां से आपको नया वाला राशन कार्ड दे दिया जाएगा। सो इस तरीके से अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं है वहां से आप इशू करते हैं तो आपका लिस्ट में भी नाम शो होने लगेगा। सो इस तरीके से आप लोग जो आसानी से घर बैठे ही कोई भी इशू है, नाम जोड़ना है मेंबर का, इस तरीके से आप ऑनलाइन घर बैठे नए इस वेबसाइट पे आप आसानी से कर सकते हैं। सो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें जरूर पूछिएगा। इसी तरीके से कोई भी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।